बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय उर्दू चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास या तो बिल पहुंच नहीं पाता या फिर हम उसे कहीं खो देते हैं, तो इस सूरत हाल में हमें दोबारा बिल की ज़रूरत होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हम अपने बिल को अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में या पीसी में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये वेबसाइट ओपन करनी है जो मैंने ओपन की हुई है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकेंगे। तो डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये इसका कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, यानी ये ऐसे ओपन हो जाएगी। तो इधर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रेफरेंस नंबर। तो यहाँ पे आप लोगों को बिल का रेफरेंस नंबर लिखना होगा जो कि आपको आपके बिल में आपको दिया गया होता है। तो जैसे ही आप इधर अपना रेफरेंस नंबर लिखेंगे तो आपके सामने आपका बिल शो हो जाएगा। एक तरीका तो ये है कि आप ऑनलाइन देख सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी एंड्रॉयड में, तो उस तरीके से भी आप अपना बिल देख सकेंगे। लेकिन सबसे जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर आप इसे देख सकेंगे और डाउनलोड भी कर सकेंगे। तो जब आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाए तो आप लोगों ने इधर अपना रेफरेंस नंबर लिख देना है। तो मैं इधर अपना रेफरेंस नंबर लिखता हूँ। रेफरेंस नंबर लिखने के बाद आप लोगों को इधर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इधर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा बिल शो हो जाएगा। ये देखें, आप देख सकते हैं कि हमारा बिल शो हो गया। इधर आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट भी लिखी हुई है और बिल कितना आया हुआ है ये भी आप देख सकते हैं। और अगर आपने इसको डाउनलोड करना है कि अपने मोबाइल या पीसी में, तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको इधर प्रिंट बिल के ऊपर क्लिक करना होगा। इधर क्लिक करने के बाद अगर आप मोबाइल में ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। इधर लिखा हुआ है सेव एज PDF और यहाँ पर लेटर लिखा हुआ है। तो आप इधर देख सकते हैं कि ये दो पेज दिखा रहा है, तो हम इसे एक पेज में सेव करना चाहते हैं। तो इधर लेटर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे A4 को। ये ISO A4 लिखा हुआ है, मैं इधर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा बिल एक ही पेज में आ गया है। उसके बाद इधर सेव PDF में क्लिक कर देना है। जैसे आप इधर क्लिक करेंगे उसके बाद ये आपसे नाम पूछ रहा है कि मैंने किस नाम से सेव करना है बिल। आप इधर कोई भी नाम देख सकते हैं। उसके बाद फिर इधर सेव पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका बिल आपकी इंटरनल यानी मोबाइल की स्टोरेज में डाउनलोड के फोल्डर में आ जाएगा। मैं आपको ये जाके दिखाता हूँ गैलरी में अपनी फाइल में कि ये मेरा बिल डाउनलोड हो गया या नहीं। ये देखें, इधर ये मेरा बिल सेव हो गया है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।